हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास जैन स्टूडेंट। आज हम 41st लेक्चर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे वेव ऑप्टिक्स से रिलेट करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स को। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स। मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर लिख के आया हूँ। आई होप आई बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स को स्टडी करोगे। इनसे रिलेट करते हुए न्यूमेरिकल्स तुम वेब और टेक्स्ट बुक्स में फाइंड आउट कर सकते हो। तुम एन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, वो सब प्रैक्टिस कर सकते हो। जनरली मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है, मैग्नेटिज्म, इनसे रिलेट करता हुआ लाइक फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर तक, और साथ में तुम्हारे पास रे वेव ऑप्टिक्स, इन चैप्टर्स से रिलेट करते हुए मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को ट्राई करो। लाइक एटलीस्ट एक टॉपिक से रिलेट करते हुए 2 to 3 न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स। लाइक अच्छे न्यूमेरिकल्स क्या, लाइक जिसमें सिर्फ कैलकुलेशंस ना हो, जिसमें थोड़ा सा लाइक 2-3 कॉन्सेप्ट्स यूज हो, ऐसे न्यूमेरिकल्स को जनरली ट्राई करना स्टार्ट करो। ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हें अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए, एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज के लिए मैं जो तुम्हारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं, वो रिलेट करते हैं वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से। रे ऑप्टिक्स के दो पार्ट है, रे और वेव। रे के न्यूमेरिकल्स और रे से रिलेटेड थ्योरी हमने स्टडी किया था, फिर हमने स्टडी किया वेव से रिलेट करता हुआ थ्योरी। अब हम आज करते हैं कुछ वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स। इसमें हमारे पास आज के लिए, आज की इस महफिल में हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है। एंड न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसे है हमारे पास, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न चेंजेस व्हेन द होल एपरेटस ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट इज कैप्ट इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.3। मींस की मैं न्यूमेरिकल्स को नोट डाउन कर देता हूं तुम्हारे लिए। हाउ डज द फ्रिंज विड्थ, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज चेंज व्हेन द होल एपरेटस ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट, होल एपरेटस ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट इज कैप्ट इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.3। मींस की क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है हमें कि फ्रिंज विड्थ कैसे चेंज करेगा यंग्स एक्सपेरिमेंट में, अगर हम उस एपरेटस को प्लेस कर दे एक पर्टिकुलर मीडियम में जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है 1.3। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने तुम्हें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कराया, जो हमने किया था, उस एक्सपेरिमेंट में हमने स्टडी किया था कि एयर था वहां पर, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस एयर था। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास जो दो स्लिट्स हैं S1, S2 और ये हमारे पास है स्क्रीन। कैपिटल डी हो गया डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स, स्मॉल डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स S1 एंड S2। इस केस में जो हमारे पास फ्रिंज विड्थ है, ये होगा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। तो हमने यहां पर मान लो डार्क फ्रिंजेस के लिए हम स्टडी कर लेते हैं। तो हमें पता है फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी बाय डी। स्लिट्स के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लाइट रे हमारे पास ट्रेवल कर रहा है, हम कंसीडर कर लेते हैं ये लाइट रे ट्रेवल कर रहा है वेवलेंथ लैम्डा नोड से और ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ लाइट सी से। बट यहां पर हमारे पास एक मीडियम है, इस पर्टिकुलर मीडियम में हमारे पास जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ये गिवन है इस मीडियम के लिए 1.3। मींस की जो लाइट रेस है ये ट्रेवल कर रहे हैं फर्स्ट मीडियम टू द सेकेंड मीडियम,
अब इस केस में मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास स्पीड चेंज करेगा, सेम सोर्स है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, ठीक है। मींस कि यहां पर जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, वेवलेंथ चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? फर्स्ट मीडियम में वेवलेंथ है हमारे पास सी इक्वल्स टू म्यू लैम्डा नॉट, सेकेंड मीडियम में हमने कंसिडर कर लिया वेलोसिटी वी, एंड दिस इक्वल्स टू म्यू लैम्डा एम। रेशियो रखते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, डेट इज इक्वल्स टू सी बाई वी, एंड डेट इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा नॉट बाई म्यू लैम्डा एम। ये वैल्यूज को कैंसिल आउट करो, हेंस वेवलेंथ इन मीडियम इज वन बाई म्यू ऑफ वेवलेंथ इन एयर, ठीक है। तो हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया वेवलेंथ मीडियम में कैसे रहेगा, वो रहेगा वन बाई म्यू नॉट टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर है फ्रिंज विड्थ मीडियम में, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, और वेवलेंथ इन मीडियम हमारे पास है, इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं वन बाई म्यू लैम्डा नॉट डी बाई डी। लैम्डा नॉट डी बाई डी इज फ्रिंज विड्थ जब हमारे पास मीडियम नहीं है लाइक एयर है, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ मीडियम में कैसे इफेक्ट करेंगे? फ्रिंज विड्थ इन मीडियम इज वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ इनिशियल फ्रिंज विड्थ, जो भी इनिशियल फ्रिंज विड्थ है उसका 1/1.3 टाइम्स वो वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा फ्रिंज विड्थ मीडियम में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये था हमारे पास आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल, इससे रिलेट करता हुआ हमारे पास एक सेकेंड न्यूमेरिकल है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट होगा अगर हम वेवलेंथ, पहले हमने यूज किया रेड लाइट, इसको हम रिप्लेस कर दें वेवलेंथ ब्लू से। रेड लाइट को हमने रेड लाइट को रिप्लेस कर दिया हमने ब्लू लाइट से, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फ्रिंज विड्थ, बीटा के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सेम इफेक्ट लाइक फ्रिंज विड्थ फॉर रेड इज इक्वल्स टू फ्रिंज विड्थ फॉर ब्लू, और फ्रिंज विड्थ फॉर रेड इज ग्रेटर देन द फ्रिंज विड्थ फॉर ब्लू, और मे बी फ्रिंज विड्थ फॉर ब्लू इज ग्रेटर देन फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड, और फोर्थ ऑप्शन पता नहीं, ठीक है। तो आई होप तुम्हारा आंसर फोर्थ नहीं होना चाहिए, लाइक तुम अगर अच्छे से रीड आउट कर रहे हो तो देखो, फर्स्ट हमें यहां पर चेक करना है फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी बाई डी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों फ्रिंज विड्थ लैम्डा के ऊपर डिपेंडेंट है, मीन्स कि अगर वेवलेंथ चेंज किया है पर्टिकुलर लाइट रे के लिए तो फ्रिंज विड्थ भी चेंज करेगा। अब ये कैसे चेंज करेगा ये हम स्टडी करते हैं। वेवलेंथ ऑफ रेड मैक्सिमम, वेवलेंथ ऑफ ब्लू इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड, मीन्स कि रेड लाइट को रिप्लेस कर किया ब्लू लाइट से, इस पर्टिकुलर केस में वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, ये वैल्यू फैक्टर डिक्रीज कर रहा है। फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वेवलेंथ, तो ये वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, लाइक फ्रिंज विड्थ फॉर ब्लू इज लेस देन फ्रिंज विड्थ फॉर रेड। तो हमारे पास ये मेन सिनेरियो है यहां पर, फ्रिंज विड्थ फॉर ब्लू इज लेस देन फ्रिंज विड्थ फॉर रेड। तो हमने ये न्यूमेरिकल सेकंड किया, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास ये है हमारे पास लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन ए पेयर ऑफ स्लेट्स produces an interference pattern in which the bright fringes
आर सेपरेटेड बाय 7.2 मिलीमीटर. कैलकुलेट द वेवलेंथ, सॉरी, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अनदर सोर्स. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अनदर सोर्स ऑफ लेजर लाइट विच प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस विच प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस सेपरेटेड बाय एट पॉइंट वन मिलीमीटर यूजिंग पेयर ऑफ स्लिट्स. ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है यहां पर लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर, उसको इंसिडेंट किया पेयर ऑफ स्लिट्स पे और एक इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म हो गया वहां पर ब्राइट फ्रिंज. ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 7.2 मिलीमीटर. ब्राइट फ्रिंज सेपरेटेड किए हुए हैं लाइक ये अल्टरनेट ब्राइट फ्रिंज है जिनके बीच में सेपरेशन गिवन है 7.2 मिलीमीटर. इन विच इसको तुम रख सकते हो अल्टरनेट ब्राइट फ्रिंजेस. अब यहां पर क्वेश्चन है वेवलेंथ फर्स्ट 630 नैनोमीटर, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस है वो है फ्रिंज विड्थ, ये भी गिवन है फर्स्ट 7.2 मिलीमीटर. 630 नैनोमीटर, 630 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, ये वैल्यूज गिवन है. वेवलेंथ फाइंड आउट करना है, इस वेवलेंथ को लेजर लाइट को रिप्लेस कर दिया दूसरी लेजर लाइट से, उस केस में जो फ्रिंज विड्थ है वो प्रोड्यूस हुए 8.1 मिलीमीटर पे. लाइक लैम्डा 2 फाइंड आउट करना है हमें और बीटा 2 गिवन है 8.1 मिलीमीटर. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर लैम्डा 1 बीटा 1 गिवन है, लैम्डा 2 फाइंड आउट करना है, बीटा 2 भी गिवन है. लेजर लाइट जनरली मोनोक्रोमेटिक, जो हमारे पास लाइट है उसको एमिट करेगा. मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब ऐसी लाइट जिसके पास सिंगल वेवलेंथ है. ठीक है, या तो रेड या सिर्फ ग्रीन या फिर सिर्फ ब्लू. ठीक है, ऐसे जो लाइट होंगे वो हमारे पास होंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट. तो फर्स्ट केस में लैम्डा 1 गिवन है, बीटा 1 भी है. सेकेंड केस में लैम्डा 2 फाइंड आउट करना है, बीटा 2 गिवन है. फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा है, सेम एक्सपेरिमेंट है, सेम सेटअप है, सेम डिस्टेंस होगा स्लिट्स के बीच में और स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है कैपिटल डी इस केस में. तो हम फर्दर स्टडी करते हैं यहां पर. फ्रिंज विड्थ हमारे पास जनरली है लैम्डा डी बाई डी. दो केस है यहां पर, तो फ्रिंज विड्थ फॉर फर्स्ट इज लैम्डा 1 डी बाई डी. सेकेंड केस फ्रिंज विड्थ फॉर सेकेंड इज लैम्डा 2 डी बाई डी. बोथ केसेस में जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन है उसकी कोई बात नहीं की, मतलब सेम एपरेटस है, सेम है. स्लिट्स डिस्टेंस सेम है स्मॉल डी, मींस कि हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, रेशियो करेंगे यहां पर. तो ये वह बीटा 1 बाई बीटा 2 इज लैम्डा 1 डी बाई डी एंड लैम्डा 2 डी बाई डी. डी डी कैंसिल आउट, डी डी कैंसिल आउट, this comes to lambda 1 by lambda 2. We have to calculate the lambda 2 wavelength. हमें second wavelength find out करना है यहाँ पर. Beta 1 by beta 2 is lambda 1 by lambda 2. Lambda 2 find out करना है, ये value क्या होगा हमारे पास, beta 2 by beta 1 into wavelength first. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम easily second जो wavelength है वो find out कर सकते हैं. बीटा 2 बीटा 1 वैल्यूज गिवन है यहां पर, बीटा 2 8.1 एंड 7.2 मिलीमीटर, ये रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं. 8.1 मिलीमीटर बाय 7.2 मिलीमीटर और साथ में लैम्डा 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 630 नैनोमीटर, ये वैल्यू भी गिवन है यहां पर.
इंटो में 630 नैनोमीटर। ये वैल्यूज यहां पे रेस्पेक्टिव गिवन है, ये वैल्यूज को प्लग करेंगे हमें मिल जाएगा यहां पर लैम्डा 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं सेकेंड वेवलेंथ को। ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, अब हम ट्राई करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है हाउ विल द इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDSE गेट इफेक्टेड, हाउ विल द इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDSE गेट्स इफेक्टेड व्हेन फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एस वन एंड एस टू रिड्यूस्ड, सेकेंड द एंटायर सेटअप, द एंटायर सेटअप इज इमर्स्ड, इज इमर्स्ड इन वॉटर, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमारे पास है हाउ विल द इंटरफेरेंस पैटर्न इन YDSE गेट्स इफेक्टेड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एस वन एंड एस टू रिड्यूस्ड, मींस कि दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस को हमने रिड्यूस कर दिया। सेकेंड केस में पूरे सेटअप को लाइक हमने पिक किया और पुट कर दिया एक मीडियम में, वो मीडियम है वॉटर। तो हमें यहां पर चेक करना है इंटरफेरेंस पैटर्न पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, यहां पर जब हम डिस्टेंस स्लिट्स के बीच में रिड्यूस करेंगे तो फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, स्मॉल डी की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज करेगा, उसका सेपरेशन इंक्रीज करेगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास यहां पर है फर्दर स्टडी करते हैं फ्रिंज विड्थ इस लैम्डा के प्रोपोर्शनल, कैपिटल डी के भी प्रोपोर्शनल है और फ्रिंज विड्थ इनवर्स है हमारे पास 1/2 स्मॉल डी, सेपरेशन डिक्रीज कर दिया फ्रिंज विड्थ इंक्रीज करेगा। लाइक ये जो फैक्टर है हमारे पास इनिशियली हम कंसिडर कर लेते हैं ये फैक्टर फ्रिंज विड्थ, जब हमने ये वैल्यू डिक्रीज किया तो फ्रिंज विड्थ इंक्रीज, तो हमारे पास ये वैल्यू बीटा प्राइम इंक्रीज करेगा, बीटा प्राइम इज ग्रेटर देन बीटा, तो इस केस में फ्रिंज विड्थ की वैल्यू इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये था आज के पास हमारे पास एक दूसरा न्यूमेरिकल, अब स्टडी करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। नेक्स्ट है इसका पार्ट द एंटायर सेटअप इज इमर्ज्ड इन वॉटर, मीडियम में प्लेस कर दिया और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फ्रिंज विड्थ इन मीडियम इज फ्रिंज विड्थ इन एयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यहां पर वॉटर है तो ये होगा फ्रिंज विड्थ इन एयर टू द 1.33 टाइम्स। ठीक है, तो वैल्यू इतने टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा फ्रिंज विड्थ मीडियम में प्लेस कर। ठीक है, तो हमारे पास ये था फोर्थ क्वेश्चन, अब स्टडी करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लाइक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इस क्वेश्चन में हमारे पास द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा इन ए YDSE एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट, द इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा इन YDSE इज आई नॉट इफ द डिस्टेंस OP इक्वल्स 1/3, इफ द डिस्टेंस OP इक्वल्स 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ
ऑफ द पैटर्न, ऑफ द पैटर्न, देन शो डैट, देन शो डैट द इंटेंसिटी एट, द इंटेंसिटी एट पी वुड बी आई नॉट बाई फोर. क्वेश्चन में है YDSA का एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें सेंटर पे मैक्सिमम आई नॉट है. क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ये डायग्राम भी गिवन है. S1, S2 स्लिट्स हैं, इनके बीच में जो सेपरेशन है ये स्मॉल d, कैपिटल d डिस्टेंस है स्क्रीन के केस में. कोई P पॉइंट है हमारे पास स्क्रीन पे, ये हो गया सेंटर से इसका डिस्टेंस, OP डिस्टेंस, ये हो गया YN. क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस YN is 1/3 times of fringe width. ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि OP equals 1/3 of fringe width of the pattern. हमें बताना है P point पर जो इंटेंसिटी है ये I not by 4. मेरे प्यारे बच्चों, YN is equals to 1/3, fringe width is lambda d by d. Values को रिप्लेस करो, YN d by d is equals to lambda by 3 और delta x. पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या था, y स्मॉल d by कैपिटल d. तो हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 3, मींस कि p पॉइंट पर s1p और s2p, s1 से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस हमारे पास s2m है डेल्टा x, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया लैम्डा बाय 3. ठीक है, इसको रिलेट करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं फेस डिफरेंस. नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा फाई इज 2π बाय लैम्डा इनटू में डेल्टा एक्स. ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये हमने फॉर्मूला लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में फाइंड आउट किया था जब हमने इंटरफेरेंस को स्टडी किया था. डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस, यू गेट फेज डिफरेंस, एंड डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस. ये वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास है यहां पर डेल्टा फाई इज 2π बाय लैम्डा इनटू में डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 3, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट, डेल्टा फाई इज 2π बाय 3. ठीक है, इसको फर्दर भी तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो और 120 डिग्री, पाई 180 बाय 3. ठीक है, तो तुम्हारे पास इस वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई कर लिया. नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं पी पॉइंट पर इंटेंसिटी. इंटेंसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कोस स्क्वायर फाई बाय 2, फाई इज 2π बाय 3, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कोस फाई इज 2π बाय 3 बाय 2, इसका होल स्क्वायर, 2 2 कैंसिल आउट, कोस पाई बाय 3, कोस 60 डिग्री, व्हिच इज इक्वल्स टू 1/2. तो इंटेंसिटी इज आई नॉट बाय 4. तो ये हमारे पास गिवन रिलेशन है, लाइक यहां पर कि हमारे पास इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया आई नॉट बाय 4 एट द पी पॉइंट. देखो मेरे स्टूडेंट्स ध्यान से, एक बार फिर से डिफाइन करते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन में YDSA है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये क्वेश्चन है. इसका सेंट्रल पर जो फ्रिंज फॉर्म हो गया उसका इंटेंसिटी गिवन है आई नॉट, पी पॉइंट O पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो गिवन है 1/3 ऑफ द फ्रिंज विड्थ. तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, YN इक्वल्स टू 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ, दैट इज लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d. यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया, वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया और पाथ डिफरेंस डेल्टा x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, वो हमारे पास है y स्मॉल d बाय कैपिटल d. ये वैल्यू मिला हमें लैम्डा बाय 3. ठीक है, यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया एक रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2π बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स का वैल्यू प्लग किया इस इक्वेशन में, हमें मिल गया यहां से फाई, फेज डिफरेंस, इंटेंसिटी का रिलेशन आई
इस आई नोट कोस स्क्वायर 5/2 यहां पर हमने फेज डिफरेंस की वैल्यू को पुट किया तो इंटरेस्ट मिल गया हमें आई नोट बाई 4। अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन है हमारे पास। यहां पर ये पोलराइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, इसको हम नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट, बिटवीन टू पोलराइड्स प्लेस्ड इन क्रॉस पोजीशन ए थर्ड पोलराइड इज इंट्रोड्यूस्ड। बिटवीन टू पोलराइड्स इन क्रॉस्ड पोजीशंस ए थर्ड पोलराइड इज इंट्रोड्यूस्ड, इज इंट्रोड्यूस्ड। द एक्सिस ऑफ द थर्ड पोलराइड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड। द एक्सिस ऑफ थर्ड पोलराइड मेक्स एन एंगल of 30 degree with respect to the axis of first polaroid. Find the intensity of transmitted light. Find the intensity of transmitted light. Find the intensity of transmitted light from the system assuming I naught to be the intensity of polarized light obtained from first polaroid। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। दो पोलराइड्स हैं क्रॉस्ड पोजीशंस पे, ये है फर्स्ट लाइन में गिवन कि हमारे पास दो पोलराइड्स हैं फर्स्ट पोजीशन पे, तो स्टेप वाइज करते हैं इसको। ये हुआ P1, ये हुआ हमारे पास पोलराइड P1। P3 या P2 जो भी है सेकेंड पोलराइड है, ये हमारे पास क्रॉस्ड पोजीशंस में है, तो ये वह पोलरॉइड P2 जो कि क्रॉस्ड पोजीशंस में है विद रिस्पेक्ट टू P1, मींस की एंगल हो गया 90। थर्ड पोलरॉइड प्लेस्ड है इन दोनों के बीच में लाइक कुछ ऐसे, थर्ड पोलरॉइड है हमारे पास ये P3 पोलरॉइड, ये एंगल सबस्टेंड कर रहा है 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू P1, तो हमारे पास जो ये रिमेनिंग एंगल है ये हमारे पास हो गया 60 डिग्री। P1 पोलराइड पे जो भी इंटेंसिटी फॉल किया, इसने जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट किया, ये इंटेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में आई नोट। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन को स्टडी करो, इसमें है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द सिस्टम अज्यूमिंग I not to be the intensity, assuming I not to be the intensity of polarized light, मतलब light polarized हो गया है, obtained from the first polaroid।
अब जो इंटेंसिटी फॉल क्या होगा P1 पर, वो क्या फॉल क्या होगा 2Y0, तभी हमें अनपोलराइज्ड लाइट का पोलराइज्ड लाइट मिला, क्योंकि यहां पर इसमें जो ये पर्टिकुलर लाइट रे है इसमें हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है, ये I0 मिला। नेक्स्ट केस में ये I0 फॉल करेगा P3 पे, बट इंटेंसिटी थ्रू I3 एंड दिस इज इक्वल्स टू I0 कोस स्केयर 30 डिग्री, मींस कि एंगल बिटवीन P3 एंड द P1 इज 30 डिग्री, कोस 30, ठीक है, कोस 30 हमारे पास क्या हो गया √3/2, उसका स्केयर कर दो तो √3/2 इस वैल्यू का स्केयर इनटू में I0, दिस इक्वल्स टू 3I0/4, तो हमारे पास ये गिवन वैल्यू है यहां पर। नेक्स्ट केस में हमारे पास यहां पर है क्वेश्चन, जब ये लाइट फॉल करेगा हमारे पास किसके ऊपर P2 के, अब यहां पर है जो P2 पर इंसिडेंट इंटेंसिटी है ये है 3I0/4, P2 पर जो इंटेंसिटी है ये हमारे पास क्या हो गया 3I0/4। इस केस में हमारे पास है P2 P3 एंगल सब्सटेंस कर रहे हैं 60 डिग्री, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जनरली क्या होगा हमारे पास इंटेंसिटी थ्रू सेकेंड I2 एंड दिस इज इक्वल्स टू इंसिडेंट इंटेंसिटी दैट इज 3I0/4 इनटू में कोस 60 डिग्री और इसका स्केयर, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू हुआ 3I0/4 इनटू में कोस 60 डिग्री, एंगल है बिटवीन P2 एंड द P3, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कोस 60 का वैल्यू प्लग करो वो है 1/2, स्केयर करोगे तो 1/4, तो I2 इज 3I0/4 इनटू 1/4, तो क्या 3I0/16। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को इस लेक्चर को क्लोज करो, ठीक है, पॉज करके और फिर इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना, ठीक है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, फिर इन क्वेश्चंस को कहीं पे नोट डाउन करके इनको खुद से इनसे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस तुम वेब से और साथ में टेक्स्ट बुक से चेक कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारे पास मेरे प्यारे बच्चों ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स। यहां पर हमने स्टडी किया 3 पोलराइड्स हैं, क्रॉस पोजीशन का मतलब 90 डिग्री पे है, ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन किया। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं यहां पर, ये है क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज लाइक दिस, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन YDSC द टू स्लिट्स the two slits 0.15 millimeter apart, the two slits are illuminated by monochromatic light of wavelength 450 nanometer, the screen is 1 meter away from the slits, first question mein hai, find the distance of second bright fringe. Second है dark fringe from the central maximum, इसके बी पार्ट में है
How will the fringe pattern change? How will the fringe pattern change if the screen is moved away? If the screen is moved away from the slits. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर क्वेश्चन है ये लाइक ऐसे। इस क्वेश्चन में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है। यहां पर हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में दो स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस है 0.15 मिलीमीटर। इल्यूमिनेट किए हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ का लाइट है, वो भी गिवन है 450 नैनोमीटर। स्क्रीन का डिस्टेंस है कैपिटल डी 1 मीटर। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फॉर द सेकंड ब्राइट फ्रिंज, फॉर द सेकंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट, हाउ विल द फ्रिंज पैटर्न चेंज इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट्स। स्क्रीन को मूव करेंगे तो स्लिट से, तो फ्रिंज पैटर्न कैसे चेंज करेगा, ये वैल्यू भी स्टडी करना है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास बेसिकली है, यहां पर ये स्क्रीन है, यहां पर स्लिट्स हैं और यहां पे पैटर्न है। ये है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसके साथ में होगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज D2 एंड B2। B2 का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, D2 का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। A के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फॉर द ब्राइट फ्रिंज, विच वन, सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर O। दिस इज yn इज n लैम्डा d by t। y2 2, वेवलेंथ गिवन है हमारे पास 450 नैनोमीटर। वेवलेंथ भी गिवन है हमारे पास, वेवलेंथ गिवन है 450 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। कैपिटल डी गिवन है 1 मीटर। स्लिट का डिस्टेंस हमारे पास है यहां पर 0.15 मिलीमीटर, तो दिस इज गोस लाइक 0.15 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर्स। ये कैंसिल आउट हो जाएगा डिस्टेंस, ये वैल्यूज को सोल्व करना y2 मिल जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट केस, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर एंड डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, दिस इज लाइक yn 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 d बाय। इस वैल्यू से हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज। फर्स्ट डार्क फ्रिंज हमें कब मिलेगा, जब हमारे पास n इज इक्वल्स टू 1, सेकंड के लिए 2 के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में है यहां पर डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा एंड विच वन, सेकंड। And second dark fringe from the central maximum. तो ये values को put करते हैं। N is equal to 2, ये value plug करो। Y2 ये किसके लिए है? Dark के लिए। तो ये हो गया मेरे पास 2 into 2 4 minus 1 3 and wavelength 450 10 की power minus 9 capital D 1 meter by 2 small d which is equal to 0.15 millimeter, 10.3 meters, meter cancel outs,
और यहाँ पर एक मीटर है, तो सोल्व करना डिस्टेंस मिल जाएगा मीटर्स में, कि मतलब सेंटर से डार्क फ्रिंज कहां पे फॉर्म करेगा। अब हम स्टडी करते हैं सेकंड पार्ट को, हाउ विल द फ्रिंज पैटर्न चेंज इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द स्लिट्स। कैपिटल डी, हमने इसको स्क्रीन को मूव किया। नेक्स्ट केस में हमारे पास है इफ स्क्रीन इज मूव्ड फर्दर अवे देन कैपिटल डी इंक्रीजेस, तो हमारे पास डिस्टेंस डी इंक्रीज करेगा। इस केस में फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी बाय डी, एस वन एंड एस टू विद द स्लिट्स, कैपिटल एस इज स्क्रीन, इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ कैपिटल डी, लाइक स्क्रीन को फर्दर अवे मूव किया। इस केस में मैं कंसिडर कर लेता हूं स्क्रीन यहां पर है, तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ डी प्राइम एंड डी प्राइम इज ग्रेटर देन डी। इस केस में हमारे पास क्या है, डी प्राइम की वैल्यू इंक्रीज कर गया, मींस कि स्लिट से जो डिस्टेंस है स्क्रीन का ये हमने इंक्रीज कर दिया। अब फ्रिंज विड्थ को हमें स्टडी करना है, जब डिस्टेंस डी पर है तो हमारे पास एक पैटर्न यहां पे ये पैटर्न फॉर्म हो गया, बट फर्दर नेक्स्ट केस में जब ये वैल्यू इंक्रीज करेगा, डी का डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, तो फ्रिंज विड्थ भी इंक्रीज करेगा, लाइक हमारे पास फ्रिंज विड्थ प्राइम मतलब न्यू फ्रिंज विड्थ इज ग्रेटर देन द ओल्ड फ्रिंज विड्थ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये थे आज के कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।